तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड ब्लॉग्स ऑफिशियल। तो दोस्तों आज हमारे साथ है वासु भाई। भाई नमस्ते। नमस्ते। तो भाई आज अपना जो ये XUV300 जैसे कि देख सकते हैं भाई, जो रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी का वो काफ़ी दमदार मानी जाती है। तो इसका आज जो है ओनर्स रिव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं। तो भाई जो है अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे इस गाड़ी को लेके। तो इसका प्रोज कॉन्स क्या कुछ इसके बारे में सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक जरूर देखें। तो भाई पहले बताइए, ये गाड़ी जो है आपने कब लिया था? मैंने गाड़ी 15 दिसंबर में लिया था। मतलब अभी जस्ट लिया है? नहीं अभी जस्ट, तो अभी ज़्यादा दिन तो एक महीना भी अभी तक नहीं हुआ है गाड़ी को। एक महीना भी अभी हुई नहीं है गाड़ी। तो ये कौन सा वेरिएंट है ये वाला? ये W8 सेकंड टॉप। तो भाई जैसे देख सकते हैं ये सेकंड टॉप W8, और इसका जो टॉप एंड वेरियंट आता है वो आता है W8 ऑप्शनल। तो भाई जो पहले मुझे ये बताया कि जो कलर आपने चूज़ किया है ब्लैक कलर, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि ब्लैक मेरी फेवरेट कलर है। अच्छा। और मुझे स्टार्टिंग से गाड़ी, चाहे मैंने वो टू व्हीलर भी ली है वो भी ब्लैक, और मैंने कभी प्लान भी किया था कि फोर व्हीलर भी लूँगा, तो मुझे ब्लैक ही पसंद है क्योंकि ब्लैक मुझे लगती है कि मुझे सूट करती है। अच्छा। और लुक वाइज वाइट से मुझे बेहतर लगती है ब्लैक। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपका जो डिमांड हो जो कलर और नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो डीलरशिप वाले बोलते हैं कि भाई ये कलर आप ले जाइए, वो आपको सूट करेगा बोल के चिपका देते हैं। हाँ। इसलिए मैंने आपको पूछा कि ये आपका जो कलर नहीं, नहीं। मैं पहले से प्लान था गाड़ी में कोई भी, चाहे वो मारुति लूँ महिंद्रा लूँ, लेकिन मुझे ब्लैक ही पसंद है। तो भाई जो W8 आपने लिया सेकेंड टॉप, इसका कितना क्या आपको पे करना पड़ा इसके लिए? ऑनरोड कितनी आ गई? ये 12,15,000 ऑनरोड, और बाकी मैंने 50,000 का एसेसरीज लगाया है। हाँ, जैसे कि भाई गाड़ी का लुक थोड़ा चेंज हो गया है। हाँ वो तो दिख रहा है, गाड़ी जैसे लग रहा है कि भाई ये टॉप एंड वेरिएंट जैसे दिख रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे मुझे एसेसरी दिख रहा है। तो भाई दिखा देंगे क्या क्या आपने लगाया है गाड़ी में? हाँ देखिए, ये सारा ये क्रोम किट है। अच्छा अच्छा क्रोम का जितना आइटम आपने लगा दिया है गाड़ी में? क्रोम किट टोटली लगाया मैंने। अच्छा। क्रोम किट के सारे जो पार्ट्स मैंने लगवा लिए हैं। अच्छा। और सीट कवर लगवाए हैं लेदर वाले ओरिजिनल, सारे कंपनी फिटेड हैं। अच्छा। और मैट फ्लोरिंग करवा लिया हाँ। अच्छा। तो और मैट भी डलवा दिया हूँ, बाकी एक्स्ट्रा इज अ वाइजर, सारा रेन वाइजर ओके, और सारा ही जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मैंने लगवा ली है, सारी कंपनी फिटेड है, महिंद्रा से ही लगवाए हैं। तो सबका जो प्राइस आ गया 55,000 मिला के? 55,000 के लगभग आ गया। अच्छा, तो 55,000 लगाने के बाद ये गाड़ी और भी जो खूबसूरत नज़र आ रही है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट इसका है स्पोर्टी बम्पर जो कि चारों तरफ से लगी हुई है। अच्छा, तो भाई अभी ये बताए कि जैसे कि सेगमेंट में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, ब्रेजा हो गई, नेक्सन हो गई, तो भाई XUV300 लेने का प्लान आपका कैसे बना? क्योंकि देखिए इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, गाड़ी चलाने में भी बहुत अच्छी कंफर्ट है, सारे फीचर्स अच्छे हैं, और एक गाड़ी का लुक मुझे बहुत पसंद आया एज ए टाटा और मारुति के ब्रेजा से, क्योंकि एज ए मैंने इसको पहले से नोटिस किया था। मैंने पहले प्लान किया था एक भरना लेने का सेडान, भरना देखा मैंने, होंडा सिटी भी देखा, लेकिन मेरे फ्रेंड बोले कि अभी तो XUV का ही ये है, और मुझे क्या है कि लॉन्ग ट्रिप पसंद है। अच्छा। तो जैसे कि मैं ऑलमोस्ट रांची का हूँ, तो मुझे आना जाना होता है वहाँ पे, तो फ्रेंड बोले कि अभी तो XUV चल रहा है, तो वही जैसे कि रोड कंडीशन हो गया उसी हिसाब से, इंडियन रोड्स तो आप जानते हैं सही है नहीं, कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं सेडान गाड़ी में, इसीलिए XUV ही सही है। और फ्रेंड मुझे कंसिडर भी किए हैं कि XUV लेना सही रहेगा तुम्हारे लिए। मेरा पहला मैंने W6 वेरियंट को बुक किया था, लेकिन थोड़ा टाइम डिले हुई उनके आने के लिए, और W8 मॉडल अवेलेबल थी तो मैंने W8 ही ले लिया। तो भाई W6 से डायरेक्ट W8 ऐसा क्यों? तो W6 में आपको क्या एक्चुअली पसंद आ गया? तो W6 में क्या था, वो सनरूफ था, मुझे पहले सनरूफ बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। लेकिन फिर बाद में मैंने प्लान किया कि उसमें उस फैसिलिटीज टच स्क्रीन हुआ, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स नहीं है ना, फीचर्स नहीं है, इसलिए मैंने प्लान किया W8 लेने का, और वो अवेलेबल थी, इसमें सनरूफ नहीं है, लेकिन बाकी एक नॉर्मली कार में जो सीरीज हो और फीचर होने चाहिए सारा अवेलेबल है। अच्छा। तो इसीलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया, और ये गाड़ी मुझे मिनिमम 1 वीक के अंदर मुझे मिल गई। ओके, तो काफ़ी जो है आपका डिलीवरी बहुत जल्दी भी हो गया। हाँ, नहीं बहुत अवेलेबल था गाड़ी, इसलिए अवेलेबल थी गाड़ी इसलिए मुझे मिल गई। तो गाड़ी में अभी तक आपको सबसे अच्छा जो फीचर वो क्या लगा है? सबसे अच्छा इसकी स्मूथनेस, कम्फर्टनेस, एक चलाने से वो हाई, मतलब कि हाइट वाइज अच्छी लगी, ऊंची गाड़ी लगती है, SUV गाड़ी लगती है।
और इसमें आपको सबसे अभी तक, जैसे कि अभी जस्ट एक महीना हुआ है, मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बुरा अभी तक लगा है क्या आपको? बुरा मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे फ्रेंड बोले कि इसका हॉर्न थोड़ा और बेहतर हो सकता था। ओके, बाकी लुक के बारे में क्या बोले हैं कुछ? बाकी लुक तो परफेक्ट है, इससे बेटर कोई गाड़ी नहीं है और सबको पसंद आ रही है, जिसको भी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये एज ए गाड़ी सबको पसंद है। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी दिखा दूँ, भाई देख लीजिए ब्लैक कलर में, और जैसे कि भाई महिंद्रा की XUV300 अंडर 4 मीटर सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन जब ये रोड पे चलती है ना भाई, इसका जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त लगती है, और ये जैसे कि ब्लैक कलर में है तो भाई और क्या कहने। तो मैं आपको इसका पहले दिखा दूँ, जैसे कि भाई ने बताया क्रोम आइटम जैसे देख सकते हैं भाई, सारा जो क्रोम यहाँ पर भाई ने लगा दिया है, और साइड जो बीडिंग है यहाँ पर भी क्रोम आइटम्स पूरा जो इन्होंने एसेसरीज लगाया है, ये भी क्रोम डोर हैंडल्स वगैरह सब कुछ, रेन वाइजर यहाँ पे, और इसका बैक प्रोफाइल मैं आपको दिखा दूँ, देखिए। बस एक चीज़ जो है लगता है भाई मुझे, मैं पर्सनल में बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से गाड़ी सामने से जैसे लगेगी ना देखने से कि वही बड़ी गाड़ी आ रही है, लेकिन जब साइड से निकलती है ना लगता है कि गाड़ी भाई जल्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हो, उस पर अंडर 4 मीटर सेगमेंट की गाड़ी है। लेकिन इस गाड़ी का सबसे अच्छा क्या पता है, इसकी जो चौड़ाई है ना वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आप रात में भी देखेंगे इसका जो LED DRL यहाँ पे एज में यहाँ पे दिया गया है, तो इससे पता चलता है कि भाई एक चौड़ी गाड़ी जो है आ रही है। अगर चौड़ाई की बात चल रही है तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि इसका जो चौड़ाई है वो क्रेटा से ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल हम क्रेटा से कंपेयर नहीं करेंगे। कहाँ भाई 18-19 लाख की गाड़ी है, ये तो भाई 12.5 लाख की गाड़ी है, तो इतने कंपेयर नहीं करेंगे। तो भाई अभी ये बताए कि रावटा जो डीलरशिप है वो कैसा आपको लगा? बहुत बेहतर, उनका जो बिहेवियर कैसा है? बहुत सही था, बहुत परफेक्ट, जैसा मैं सोचा था वैसे ही है, और बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये नहीं, टाइम से मुझे गाड़ी मिल गया, जिस दिन बोले थे उस दिन मिल गया, और सब कुछ करके दिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ के जो थे मैनेजर थे, चाहे वो ये सेल्स पर्सन हाँ, वो बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे। तो एक महीना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी माइलेज अभी तक आपने कुछ टेस्ट करवाया क्या गाड़ी? माइलेज तो मैंने अभी टेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन कंपनी बोल रही है कि मिनिमम 15 तो दे ही देगी। 15 सिटी में या हाईवे में? हाईवे 15 देगी, और सिटी में वही आप 12-13 पकड़ के चलिए, उससे ज़्यादा तो वही नहीं देती है XUV700 की गाड़ियाँ। और कितना क्या अभी तक आपने चला दिया है? अभी तक मैंने 450 किलोमीटर्स। अच्छा, 450 अभी तक आपने चला दिया है गाड़ी को। कुछ थोड़ा डोर की प्रॉब्लम थी, सेंसर वाली, सेंसर से इसे काम कर नहीं रही है जो मुझे फील हो रहा है, लेकिन शायद मैं जाऊंगा फर्स्ट सर्विसिंग में तो मैं कंप्लेन करूंगा इसके लिए। तो क्या तो प्रॉब्लम भाई क्रिएट हुआ है गाड़ी में, नई गाड़ी में, वो भी दिखाएंगे थोड़ा सा? क्रिएट नहीं है, बस वो डोर की सेंसर दिखाती रहती है कि आप बंद नहीं किए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं देखिए, आप देख सकते हैं नीचे रेड वाली है, ऊपर वाली तो जो खोला हूँ मैं उसका दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो भाई दोस्तों यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं जो रेड का जो यहाँ पे शो करता है कि आपके जो डोर है वो खुला रहता है, तो यहाँ पे अगर आप चारों डोर भी बंद कर देते हैं गाड़ी का तो यहाँ पे भी ये अभी भी शो करता है, जैसे कि साइड में शो करे कि साइड का डोर पूरी अच्छी तरह से बंद किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये मे बी सेंसर का कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है गाड़ी में। तो भाई इसको लेके आप फर्स्ट सर्विस देकर दिखाएंगे? नहीं, हाँ फर्स्ट सर्विस में जाऊँगा नेक्स्ट मंथ, कंप्लेन करूँगा। तो बाकी तो गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक है नहीं, बाकी नई गाड़ी में थोड़ा सा जो सेंसर का प्रॉब्लम आ गया है। नहीं, हाँ हाँ मुझे वो फील हो रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, इधर तो ठीक ही है सब कुछ। तो भाई बूट स्पेस जो है इस गाड़ी में जैसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मिलता है बाकी गाड़ियों से, तो इसके बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए अब थोड़ा, अब हर चीज़ तो हर गाड़ी में परफेक्ट नहीं होती है। अच्छा, और मेरे हिसाब से जितनी बूट स्पेस है वो काफ़ी है आपके लिए, आपके लिए, लेकिन मुझे कहीं ऐसा भी नहीं है कि अब कहीं ज़्यादा 4 लोगों का गाड़ी जाना है कहीं भी, तो हम लोग काफ़ी देख लीजिए आप, मतलब कि मिनिमम जितनी होनी चाहिए है, मुझे फील होती है जितना है, लेकिन आपके हिसाब से सही है क्योंकि हाँ, आप हाँ, अपनी फैमिली एक्चुअली हाँ, फैमिली गाड़ी है भाई, 4 से 5 बंदे तो बैठेंगे तो उसी हिसाब से जितना लगेज है आपका आ जाएगा आराम से। तो दोस्तों मैं आपको गाड़ी का जो पूरा दिखा दूँ, इसका इंटीरियर जैसे कि मैंने फ्रंट में आपको दिखाया, बैक में दिखाया कि भाई कहीं से भी जो है गाड़ी सेकेंड टॉप आपको लगेगी नहीं, पूरा टॉप एंड मॉडल जैसे ही आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिलते हैं। और भाई देख लीजिए जो सीट जो है यहाँ पे भाई ने डाला है, ये भी जो फिटिंग देख सकते हैं भाई, मैंने जब पहले गाड़ी को देखा फर्स्ट टाइम तो मैंने कहा कि भाई ये सीट कवर आपने डाला है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने डाला है, तो मुझे नहीं लग रहा था भाई कहीं पर भी ये सीट कवर है, क्योंकि जैसे फिटिंग यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसे लग रहा कि भाई नहीं ये सीट जो है आप गाड़ी के साथ ही आया था और इसमें जो सीट कवर नहीं लगाया गया, वैसे लग रहा है देखने से भाई, देखिए
ठीक है ना, ये भी बेज कलर में है। तो मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ कर दिखा दूँ भाई, XUV300 का स्पेस नो डाउटली काफ़ी अच्छा है। इंटीरियर देखिए भाई, कहीं से ही भी नहीं आपको लगेगा कि गाड़ी जो है सेकेंड टॉप पे टच स्क्रीन मिल रहा है, आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल रहा है, वो भी डुअल जोन के साथ, जैसे कि ये फीचर आपको इस सेगमेंट में और कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करती है। यानी कि अगर आपका पैसेंजर में कोई बैठता है उसके लिए अलग टेम्परेचर भी आप जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ ये जो गाड़ी है ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, और बाकी क्लस्टर देख सकते हैं 7-digit क्लस्टर आपको मिलेगा, ठीक है। ऑडियो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल फीचर, उसके बाद क्रूज कंट्रोल, भाई कहीं से भी आपको देखने से नहीं लगे कि ये जो है सेकंड टॉप है। सारा फीचर्स सिवाय सनरूफ के, ठीक है ना, सनरूफ और आपका जो है डायमंड कट अलॉय के अलावा जो इंटीरियर सनरूफ भी जो है आपको ऊपर मिलता है, अलग बात है। लेकिन जो फीचर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सारा जो है टॉप नॉच मिल रहा है। सेकेंड टॉप होने के बावजूद आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं XUV300 में, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल रहा है। और ये रहा इसका फ्रंट का, पीछे अगर मैं आपको बात करूँ पीछे की, तो जैसे कि भाई मेरा हेलमेट और बैग रखा गया है, तो भाई देख लीजिए पीछे का रियर सीट, ठीक है, देखिए कंफर्ट देखिए। और आगे का जो सीट है मैं थोड़ा सा ज़्यादा पीछे कर दिया था, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके आता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसका पीछे का रियर सीट का जो कंफर्ट है। और मेरा जो हाइट है वो है 6'3", उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी जो है एडजस्ट हो गया है आगे का सीट। अभी अगर मैं पीछे की सीट में बैठता हूँ तो भाई देख लीजिए लेग रूम, नी रूम देखिए, लेग रूम देखिए, यहाँ पे हेड रूम देखिए, हाँ लेकिन थाई से थोड़ा सा कम मिल रहा है इस गाड़ी में। बाकी लेग रूम, हेड रूम और हेड रूम जैसे देख पा रहे हैं, नी रूम लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, थाई से आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। बाकी पीछे में इतना कुछ फीचर्स तो नहीं है पीछे में, बाकी स्पीकर जैसे कि आपको मिल जाते हैं, 4 स्पीकर आपको मिल जाएंगे इस गाड़ी में, और 2 ट्विटर्स भी आपको दिया गया है। बाकी हेडरेस्ट जो है आपको सारा एडजस्टेबल मिल रहा है। तो भाई सेकेंड टॉप होने के बावजूद अगर इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो भाई कोई क्यों ना ले इस गाड़ी को, और वो भी भाई 5-star रेटिंग वाली गाड़ी है। तो भाई इसका थोड़ा इंजन सुना देंगे क्या? आइए बैठिए। तो चलिए भाई अभी देखते हैं गाड़ी में कोई इंजन आता है कि नहीं, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके देखते हैं। तो भाई देख लीजिए यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन का स्विच भी मिलता है। तो भाई ये पेट्रोल की गाड़ी है, और जैसे कि अभी इंजन स्टार्ट है, बहुत ही हल्का हल्का जो है नॉइज आ रहा है, बहुत हल्का, इतना पता नहीं चलेगा। अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगा देंगे तो भाई कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो भाई इसका जो म्यूजिक सिस्टम है उसका जो साउंड क्वालिटी वो कैसा है? बहुत बेहतर है, और 10 की स्पीकर लगी हुई है। ओके, और बहुत बेहतर साउंड है, आप चाहे तो सुन सकते हैं। तो भाई काफी दमदार साउंड है, नहीं तो थोड़ा सुना देंगे क्या? भाई काफ़ी जो है पूरा क्लीन जो है साउंड है, मतलब कहीं पे भी आपको थोड़ा सा नॉइज नहीं लगा, पूरा मतलब आपको जैसे बोलते हैं ना दमदार म्यूजिक क्वालिटी। भाई ये तो स्टॉक है ना, या इसमें कोई आपने चेंज किया है क्या? नहीं नहीं, सारा मैंने स्टॉक है, सारा कुछ चेंज नहीं किया, सब कुछ कंपनी का ही फिटेड है। तो म्यूजिक में कोई भी आपने चेंज नहीं किया है? बिल्कुल नहीं। तो भाई काफी अच्छा लगा एक्चुअली मुझे इसका म्यूजिक सिस्टम, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसका म्यूजिक सिस्टम, काफी अच्छा लगा मुझे XUV300 का। तो भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू हमें टाइम देने के लिए, और होप सो आपकी गाड़ी का जो सेंसर का प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो XUV300 के बारे में, होप सो आपको जितनी जानकारी मिलनी चाहिए उतनी मिल गई होगी इस गाड़ी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।